Hello guys, please subscribe my YouTube channel and press the notification bell icon button, then you guys can don't miss anything. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, main hu Ahmad Majid. Assalamu alaikum. Aaj ki video ka jo topic hai wo hai naya Pakistan. Video ko aapne end tak dekhna hai. Imran Khan ne humse vaada kiya hai कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, अब वो पाकिस्तान के ज़्यादा बनने वाले हैं. तो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी, वो कहते थे और जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि इस्लाम के जो असूल हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाम के असूल लाए जाएंगे और पाकिस्तान को मदीना जैसी एक फलाही रियासत बनाया जाएगा. तो इमरान खान साहब, आपसे मेरा मुतालबा है, बहुत बड़ा मुतालबा मैं करने जा रहा हूँ, एक आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ. अगर आपने ये वादा किया है मदीना जैसी फलाही रियासत बनाएंगे, तो यहाँ पर जो मैं मुतालबा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हैं जो पुराना पाकिस्तान था वो अवाम का पाकिस्तान नहीं था, वो सिर्फ नवाज शरीफ का पाकिस्तान था. अगर आप नया पाकिस्तान वाकई ही बनाने चल पड़े हैं, तो मेरा मुतालबा यह है कि जब जैनब जो कत्ल हुई, ना सिर्फ जैनब बल्कि उस जैसी जितनी भी लड़कियाँ कत्ल हुई ज़्यादती के निशाने के बाद, उन सब को इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनके जो कातिल हैं, उनके जो मुजरम हैं जिन्होंने उनको कत्ल किया है, आज भी वो जेलों में बंद हैं. मैं इमरान की बात कर रहा हूँ. इमरान जिसने जैनब का कत्ल किया था, उसको जिनसी ज़्यादती निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल किया था, जैनब की रूह आज भी बरज़ख में है, वो आपसे इंसाफ की मुतलाशी है. जैनब का जो जिस्म है वो आज भी कब्र में है, वो इंसाफ का मुतलाशी है. इमरान खान साहब, अगर आप वाकई इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो जैनब का कातिल है इमरान, उसको सजा दी जाए. ये है मेरा मुतालबा. अगर आप इस मुतालबे से मुतफिक हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरी इस आवाज़ को इमरान खान तक पहुँचाएँ, ताकि उसको पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती हैं. अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह के कोई सजेशन है, मुझे बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा. तो सबसे बड़ा मुतालबा जैनब के कातिल को, जिस तरह होता है बाकी जगह पर इस्लामी दुनिया में, जिस तरह अगर आप मदीना की बात करें तो वहाँ पर सूली पर लटकाया जाता है. जो जैनब का कातिल है उसको सूली पर लटकाया जाए, ताकि जैनब का जो बाप है उसको इंसाफ मिल सके, जैनब को इंसाफ मिल सके, इस पाकिस्तान में हर जो बेटी है रहने वाली उसको इंसाफ मिल सके. ताकि जब तक आप इबरत का निशाना नहीं बनाओगे, अब तक ये लोग यही यूं ही करते रहेंगे. तो जो भी इस तरह जना करे, उसकी सजा अकॉर्डिंग टू इस्लाम सूली पर लटकाना चाहिए, वो भी सरे आम. क्या आप सब इस बात से मुतफिक हैं? मुतफिक हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें. अभी तक इतना ही, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे इमाम जी को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.